हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था। और ये हर उस आदमी के लिए था जिसको लोगों ने कह दिया फिनिश्ड, थैंक यू, आपका समय समाप्त होता है। लेकिन कई होते हैं जो हवा के विपरीत चलना पसंद करते हैं और गिवअप करना पसंद नहीं करते। एक ऐसा ही नाम है अजिंक्य रहाणे, जिसने कहा गुरु जब खेलना शुरू किया था तब क्रिकेट खेलने के शौकीन थे, ये नहीं सोचा था कि इंडिया के लिए खेलेंगे, रणजी खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, हमको खेलने से प्यार था और हम खेलना चाहते हैं भले इंडिया ना खिलाया जाए। भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे को दलीप ट्रॉफी में जगह नहीं दी गई तो सारी दुनिया ने कहा अजिंक्य रहाणे को अपने बूट्स पैक कर लेने चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कोचिंग करें। लेकिन रहाणे कहे मैं ना मानूंगा, मैं खेलूंगा। और रहाणे ने इंग्लैंड में गुरु कोहराम मचा रखा है, बैक टू बैक वो जलवा जलाल किए हैं, एक बार फिर इंग्लैंड में हाफ सेंचुरी मारी है और जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करके अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। अजिंक्य रहाणे की टीम जो थी उसने सामने वाली टीम को 3 विकेट से हराया। अजिंक्य हीरो के तौर पर आए, अजिंक्य वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2023 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। हालांकि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था जिस तरह से मैचेस सुन के रहे, बीच में उन्हें वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया। भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच उन्हें आईपीएल 2023 में शानदार प्रदर्शन के बाद मौका मिला था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में मैच था, 2018 में आखिरी बार वनडे और 2016 में आखिरी बार T20 मैचेस खेले थे और उसके बाद बीते कुछ सालों में वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। हालांकि रहाणे के जीवन में 2 पड़ाव ऐसे हैं जहां पर आप उन्हें सल्यूट करना पसंद करेंगे, एक आईपीएल 2023 जहां पर जलवा जलाल किया और किस तरह से क्रिकेट चेंज हो सकती है वो उन्होंने दिखाया था, और दूसरा मेरे हिसाब से गैबा में जो इंडिया ने मैच जीता था, आप याद कीजिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज बॉर्डर गवास्कर, जिसकी तैयारी के लिए ही ये दलीप ट्रॉफी हो रही है। विराट कोहली चले गए थे पहले मैच के बाद, वो पहला मैच जब इंडिया 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और उसके बाद सारी दुनिया ने कहा था कि इंडिया ये सीरीज बहुत बहुत बुरी तरह हारेगी, लेकिन उसके बाद क्या जबरदस्त वापसी करवाई गई, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई और क्या जबरदस्त नतीजा रहा, और इन नतीजों का असर था कि मामला पलट दिया। रहाणे की अगुवाई वाली टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गैबा में 3 दशकों के बाद हराया था, लेकिन वक्त बदला, कईयों का मानना है रहाणे को उतना ड्यू क्रेडिट नहीं दिया गया, रहाणे को इस बार भी दलीप ट्रॉफी में नहीं रखा गया, तो उनकी वापसी की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं, और ये उनके लिए पर्सनल झटका है। लेकिन रहाणे हार नहीं मान रहे, रहाणे ने जलवा जलाल कर रखा है और जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं एटलीस्ट वो आईपीएल में आगे आने वाले समय में अच्छा खेल सकते हैं। हालांकि फिर वही कहानी है, रहाणे मुझे बार बार इसलिए याद आते हैं क्योंकि वो सीरीज अलग थी, वो इंडिया का पहला टेस्ट मैच 8 विकेट से हारना, 36 रन पे ऑल आउट हो जाना, विराट का जाना, रहाणे का कप्तान बन जाना, फिर रहाणे का सेकेंड टेस्ट मैच में 112 रन की पारी खेलना, 112 रन मेलबर्न टेस्ट मैच, उस सीरीज में रहाणे कमाल थे, 8 मैच में 269 रन थे, रहाणे की टीम फाइनल पहुंची थी और मजा आ गया था। रहाणे ठीक है, इस बार भी अच्छा कर रहे हैं, इस बार भी उन्होंने अच्छा किया, उनकी टीम से कई और प्लेयर भी अच्छा कर रहे थे, 7 विकेट पर 290 रन चेस करना था और रहाणे ने अपनी टीम के साथ कंट्रीब्यूशन किया और उसकी वजह से इनकी टीम जो है वो बेहतर पोजीशन में आ गई। चाहे रहाणे हो चाहे चेतेश्वर पुजारा, मुझे बार बार लगता है कि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो गिवअप नहीं कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक तरफ हम देखते हैं कि शिखर धवन जैसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट लगभग खेलना छोड़ चुके हैं, तो वहीं हमें रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी भी नजर आते हैं जो दुनिया भर में अलग अलग जगह खेलकर क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, ये शानदार बात है। रहाणे ने इस मैच में अगर बात करेंगे तो हाफ सेंचुरी लगाई, इससे पहले भी क्वार्टर फाइनल में 70 रन बनाए थे, 3 छक्का मारा था, 2 चौके मारे थे और सेमीफाइनल में भी 62 रन उन्होंने बनाए, 7 चौके 2 छक्के। वनडे कप में 9 मैचेस में रहाणे के 375 रन है, 46 का एवरेज है विच इज क्रूड और 90 का स्ट्राइक रेट, अगेन इट्स ग्रेट। अजिंक्य रहाणे कह रहे हैं कि आई एम नॉट येट रिटायर्ड,